नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका PPF अकाउंट है और बाय चांस आपको मैच्योर होने से पहले उस अकाउंट को क्लोज करवाना पड़ जाए तो आप कैसे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके बैंक में जमा करवाएंगे ताकि आपका जो है अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज हो जाए। देखिए इस वीडियो में मैं आपको वही फॉर्म लाइव भर के दिखाऊंगा, साथ ही साथ उसके एक एक ऑप्शन को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई भी गलती ना हो, जिसके बाद आपको भी अगर कभी PPF का अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज करवाना पड़ जाए तो आप अच्छे तरीके से फॉर्म भर पाए और उसे ब्रांच में जमा करवा के अपना अकाउंट प्री क्लोज कर पाए। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक ताकि फॉर्म का एक एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद कभी अगर फॉर्म भरना पड़े तो आप खुद ही फॉर्म भर पाए बिना किसी की हेल्प के। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों PPF अकाउंट प्री क्लोज करने के लिए कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है। इस फॉर्म को आप किसी भी डाकखाने या फिर बैंक से डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसके बाद इसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए फिल करके दिखाता हूँ आपको इस फॉर्म को। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर टू द पोस्ट मास्टर स्लैश मैनेजर के नीचे आपको कुछ स्पेस दिया गया है। अब आप बैंक में इस फॉर्म को जमा करवाएंगे, आपका PPF अकाउंट अगर बैंक में है तो फिर आप मैनेजर पर टिक करके नीचे दिए गए स्पेस में आपको सबसे पहले बैंक का नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका PPF अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो सबसे पहले आप यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद सेकेंड लाइन में आपको ब्रांच का नाम लिखना है जिस भी जगह आपकी ब्रांच है। इतना करने के बाद फर्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर अपना PPF अकाउंट नंबर मेंशन करना है जो अकाउंट आप प्री क्लोज करवाना चाहते हैं, तो वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको उस अकाउंट में जितना बैलेंस है वो बैलेंस का अमाउंट यहाँ पर मेंशन करना है, यानी जिस अकाउंट को आप PPF को प्री मैच्योर क्लोज करवाएंगे वो अमाउंट, उस अकाउंट में जितना बैलेंस है सारा बैलेंस आप यहाँ पर लिख देंगे और उसी बैलेंस को आपको फिर वर्ड्स में कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर देना है। इतना करने के बाद ये देखिए नीचे आपको प्लीज़ क्रेडिट द अमाउंट, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि अपने दूसरे सेविंग बैंक अकाउंट नंबर में इस अमाउंट को आप क्रेडिट करवा सकते हैं, यानी बैंक इस अकाउंट में आपका अमाउंट भेज देगा। तो आपको यहाँ पर अपना सेविंग बैंक अकाउंट लिख देना है जिसमें आप अपना पैसा पाना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ में आपने जिस भी बैंक ब्रांच में आपका वो अकाउंट है उस बैंक ब्रांच का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। और साथ ही साथ ये नीचे दो ऑप्शन और दिए गए हैं, अगर आप DD पहले ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपने बैंक का नाम मेंशन कर देना है और उसके बाद जिस भी ब्रांच में आपका वो सेविंग अकाउंट है उसका नाम डाल देना है। या फिर ये देखिए अगर आप DD चेक या फिर कैश में पेमेंट चाहते हैं तो सेकेंड या थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके टिक करके भी पा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर DD पर टिक करेंगे तो DD मिल जाएगा, अगर कैश पर टिक करेंगे तो कैश मिल जाएगा। इस तरीके से आप अकाउंट में पैसा ना लेकर DD चेक या फिर कैश के थ्रू भी अपना पैसा ले सकते हैं। अब सेकंड नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके साथ में लगाएंगे वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट्स का आपको नाम यहाँ पर लिखना है। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो जो भी नेसेसिटी डॉक्यूमेंट हो बैंक आपको बता देगा उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे वेरिफिकेशन के लिए बाय चांस हमने आधार कार्ड लगा दिया तो फिर आप यहाँ आधार कार्ड नाम लिखेंगे या ड्राइविंग लाइसेंस लगा दिया तो वो लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अगर वो अकाउंट माइनर पर था, माइनर के नाम पर था, तो फिर आपने यहाँ पर उस माइनर का नाम लिखना है जिसके नाम पर वो अकाउंट था, और अगर नॉर्मल अकाउंट था तो फिर आपने ये ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी आपको अलग से नहीं लिखना है। इतनी डिटेल भरने के बाद ये नीचे देखिए अब आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक डेट है, एक सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है अकाउंट होल्डर का। एक मिनट, यहाँ पर ओके। अब ये देखिए नीचे आपने यहाँ पर डेट डाल देनी है, जिस भी तारीख को आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करवाएंगे
वही तारीख आपने मेंशन कर देनी है कुछ इस फॉर्मेट में। उसके बाद जिसके नाम पे पीपीएफ अकाउंट है उसी अकाउंट होल्डर के यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, या फिर अगर अंगूठा यूज करता है तो अंगूठा भी यहाँ पर लगा सकता है। साथ ही साथ अगर माइनर का अकाउंट था तो गार्डियन के सिग्नेचर या अंगूठा आपको यहाँ पर लगवाना पड़ेगा। अंगूठा अगर लगाएंगे तो फिर आपको जो है किसी पर्सन से इसको अटैच करवाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। साइन करेंगे तो आपको अलग से वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये नीचे का पोर्शन फॉर ऑफिस यूज ओनली है, इसे आपने खाली छोड़ देना है, इसको आपको नहीं भरना है। उसके बाद आपको मूव करना है नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे आपको एक्विटेंस करके नीचे एक स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आपने ये डिटेल भरनी है। सबसे पहले रिसीव्ड रेट में आपने दो अमाउंट पीछे भरा था, जो भी अमाउंट आपका बैलेंस था पीपीएफ अकाउंट में वही अमाउंट आपने दोबारा से यहाँ पर भर देना है। उसके बाद उसी अमाउंट को वर्ड्स में यहाँ पर लिख देना है जो अमाउंट आप अपने अकाउंट में पाएंगे। उसके बाद डाल देना कि किस मोड ऑफ पेमेंट से आप वो अमाउंट ले रहे हैं, कैश, चेक, डीडी। अगर चेक या डीडी से लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर चेक या डीडी नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैंने चेक पर टिक किया, उसके बाद मुझे यहाँ पर चेक नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर डालनी पड़ेगी डेट। या फिर आप डायरेक्ट अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, जैसे पीछे सेविंग बैंक अकाउंट नंबर डाला था वही अकाउंट नंबर आपने दोबारा से यहाँ पर लिख देना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये एक अकाउंट नंबर इसमें लिखा था जिस अकाउंट नंबर पे आप अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट का, तो वही सेविंग बैंक अकाउंट नंबर आपको दोबारा से यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको नीचे डेट भर देनी है जिस भी तारीख को आप ये फॉर्म जमा करवाने वाले हैं। उसके बाद प्लेस का नाम यहाँ पर लिख देना है, साथ ही साथ अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगा देना है, या फिर अगर माइनर के नाम पे अकाउंट है तो गार्डियन का सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगाना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं और इसके वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जो भी बैंक आपसे मांगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके बैंक में जमा करवानी है। तो उसके बाद अब आपका पीपीएफ अकाउंट है वो प्री मैच्योरली क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप कि आपको आज की वीडियो यूजफुल और काम की लगी हो, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही काम की और यूजफुल वीडियोस आपको रोजाना मेरे चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों SBI के ऊपर एक यही वीडियो नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जिसमें आपको SBI के ऑनलाइन ऑफलाइन फीचर्स से लेकर अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगी जो आपकी डेली लाइफ में आपके अकाउंट को मैनेज करने के बहुत काम आए।